इंदौर की बहू बनी मिसेस इंडिया, शी इज इंडिया विनर। नेहा से पूछा था सुंदरता क्या है, कंपटीशन में हिस्सा लेने का तरीका भी बताया। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। किसी व्यक्ति की सुंदरता चेहरे से नहीं, उसके कान से आंकी जाती है, ना ही आंखों से देखी जा सकती है। ये जवाब दिया था मिसेस इंडिया का खिताब जीतने वाली नेहा गीते ने। साथ खास बातचीत करते हुए नेहा कहती है कि मैं इंदौर की बहू हूँ। मालवा की तारीफ के लिए मेरे पास वैसे तो शब्द नहीं है, लेकिन बोलने लगी तो शायद वक्त भी कम पड़ जाएगा। हाल ही के दिनों दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया शी इज इंडिया पीपल्स चॉइस में जीत दर्ज की। इस स्पर्धा में देश के कुल 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 3 कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज दिए गए। घरेलू हिंसा के विरोध में थीम पर आयोजित हुई स्पर्धा में नेहा ने घरेलू हिंसा रोकने के तरीके और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में पूजनीय देवियों में मां नर्मदा के महत्व की व्याख्या कर जजेस का दिल जीतने में कामयाब हुई। इसी के चलते उन्हें पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया। सवाल, पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल किए गए? जवाब, जब मेरे पर्सनल इंटरव्यू की बारी आई तब वहाँ मौजूद जूरी ने मुझे सवाल किया कि आपके हिसाब से सुंदरता क्या है। तब मेरा जवाब था कि सुंदरता वह नहीं जो आंखों से देखी जा सकती है, बल्कि जो महसूस की जा सके वही वास्तविक सुंदरता है, क्योंकि जो आंखों को भाता है वह कुछ देर ही याद रहता है, पर आपके मन और दिमाग को जो भा जाता है वह हमेशा ही आपकी स्मृति में बना रहता है। नेहा क्लासिकल डांसर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। वह बचपन से मॉडलिंग और डांसिंग करती रही हैं। आर्ट से जुड़ी चीज़ों से इन्हें बेहद लगाव है। वे बताती हैं कि लगभग 2 साल पहले इंदौर में बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट में जब पार्टिसिपेट किया तो डांसिंग कैटेगरी की विनर थी, टाइटल होल्डर भी बनाया गया था। यहीं से सफर की शुरुआत हुई और इतने बड़े लेवल पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मिस इंडिया शी इज इंडिया पीपल्स चॉइस का अवार्ड भी मिला। नेहा कहती है कि मिस इंडिया शी इज इंडिया पीपल्स चॉइस का अवार्ड मिलना फैमिली और प्रोफेशनली दोनों सपोर्ट से संभव हुआ है। मिसेज इंडिया में कई चुनौतियां होती हैं, पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां, घर ऑफिस के साथ अपना सपना पूरा करना, ऐसे में पार्टनर का योगदान इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरे पार्टनर शुभम गीते यानी पति ने पूरा साथ दिया। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए मिसेज इंडिया शी इज इंडिया पीपल्स चॉइस अवार्ड में नेहा ने घरेलू हिंसा को दर्शाते हुए एक वीडियो बनाया था और साथ ही इसे रोकने के उपाय बताने थे। पर्सनल इंटरव्यू हुआ, गाला पार्टी हुई, प्रश्नोत्तरी राउंड हुआ, यहाँ टॉप 10 का सिलेक्शन किया गया और इसके बाद ट्रेडिशनल राउंड व फाइनल वॉक राउंड हुआ। इसके बाद 3 कैटेगरी मिसेज यूनिवर्स इंडिया, क्लासिकल मिसेज इंडिया व मिसेज इंडिया शी इज इंडिया पीपल्स चॉइस अवार्ड दिए गए। नेहा ने बताया पीपल्स चॉइस अवार्ड उस प्रतियोगी को दिया जाता है जो पूरी स्पर्धा में हुई हर गतिविधि में सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा हो। यहाँ टॉप 10 का सिलेक्शन किया गया और इसके बाद ट्रेडिशनल राउंड व फाइनल वॉक राउंड हुआ। इसके बाद 3 कैटेगरी मिसेज यूनिवर्स इंडिया, क्लासिकल मिसेज इंडिया व मिसेज इंडिया शी इज इंडिया पीपल्स चॉइस अवार्ड दिए गए। नेहा ने बताया पीपल्स चॉइस अवार्ड उस प्रतियोगी को दिया जाता है जो पूरी स्पर्धा में हुई हर गतिविधि में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा हो, जिसे सभी निर्णायकों व मैटर्स के वोट सबसे ज्यादा मिले हों। महेश्वरी साड़ी और क्लासिकल डांस से है नेहा का खास लगाव। नेहा ने बताया ट्रेडिशनल राउंड में हर प्रतियोगी को किसी भी एक भारतीय देवी का नाम बताना था और उन्हें देवी क्यों मानते हैं इसे विस्तार से बताना था। तब मैंने मां नर्मदा को देवी बताया, क्योंकि मां नर्मदा सिर्फ धार्मिक महत्व के कारण देवी नहीं है, वह हजारों लाखों लोगों की जीवन दायिनी है। इसी तरह नेहा बहुत अच्छा क्लासिकल डांस भी करती है, उन्होंने महेश्वरी साड़ी से खास लगाव है। नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, जिसमें पति शुभम गीते, माता पिता सरोज योगेश बर्वे व सास ससुर अंजू शैलेंद्र गीते सहित अपनी मेंटोर प्रिया शुक्ला शर्मा जो कि मिसेज इंडिया अर्थ यानी 2019 रह चुकी हैं को दी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।